नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकल्प। आज मैं मुंबई की सड़कों पे आ गया हूं और यहां पर मैं लोगों से पूछूंगा कि चुनाव के बारे में उनको क्या लग रहा है, उनकी क्या राय है। आम जनता को पूछेंगे हम। जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई में यहां पर लोगों को क्या लग रहा है वो हम पूछेंगे। कोई भी हमारे साथ जो जुड़ेगा उनसे हम पूछेंगे। भैया एक मिनट, एक भैया आ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम? रंजीत। रंजीत, आप कहाँ पे, यहीं पे रहते हो? हाँ। अच्छा, अभी चुनाव आने वाले हैं तो आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? अभी तो चुनाव ही बताइए कौन। नहीं, आप कांग्रेस या मतलब राहुल गांधी या मोदी जी, कोई भी जीते। आपको क्या लगता है? हाँ। यहाँ से या पूरा ऑल ओवर तो वही गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई एक आदमी नहीं जीतेगा। गठबंधन की सरकार, ठीक है, धन्यवाद। इन्होंने कहा गठबंधन की सरकार। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं और अब हम इनसे पूछेंगे। कट करो एकदम। क्या नाम है आपका? सुनील सरोज नाम है। सुनील जी, क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं कौन जीतेगा, मोदी जी जीतेंगे कि राहुल गांधी जीतेंगे, कौन पसंद है आपको? एक्चुअली पसंद तो अभी सब पार्टियां करती हैं, सब हाँ। सब पसंद है, ऐसे नहीं है कोई कि किसी से बैर है। हाँ। जो काम करेगा उससे वोट मिलना चाहिए। आप किसको वोट देंगे? अब वो डिसाइड होगा अभी। बताइए किसको देंगे, ऐसे ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं मैं जो काम किया है मुझे लगता है कि वो अच्छा काम किया है हमारे एरिया में, तो हम उसको वोट देंगे। नहीं, आपको कौन पसंद है, मोदी जी के राहुल गांधी? मोदी जी है ऑलरेडी, लेकिन अभी क्या करें। अभी आपको कौन पसंद है? है मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है, अच्छा। और भैया आप चाय बना रहे हैं इतनी बढ़िया, आपको कौन पसंद है? मोदी जी पसंद है। क्यों? पहले चाय बना रहे थे वो भी पहले चाय बना रहे थे इसलिए इनको मोदी जी पसंद है। अच्छा भैया, धन्यवाद। तो हमारे यहाँ पर हमारे साथ कुछ और हमारे दोस्त जुड़ गए हैं, यहाँ पर रहते हैं बॉम्बे मलाड में। तो सर ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न पहली बात तो कभी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स लेकर कभी क्रेज था ही नहीं हमारे पास जी। ये अवेयरनेस जब आया ना, ये ऑल बिकॉज ऑफ मोदी। इसके पहले कौन मिनिस्टर आता था, कौन आता था, 4 साल पहले आई वॉज नॉट अवेयर। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, और उनको मैं बहुत मानता भी हूँ, उनका जो काम जिस तरह से कर रहे हैं ना, वो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं ना वो मोदी को वोट करेंगे, और जो इलिटरेट जो 40 साल 50 साल से जो कांग्रेस को बटन दबाने की आदत पड़ गई है वो उन्हीं को दबाएंगे। आपका क्या कहना है? सेम मोदी जी को सेम कहना है। उनको पूछते हैं, हमारे साथ एक और यहाँ पर मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे, चुनाव आने वाले हैं अभी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या होगा? जो देश हित के लिए काम करे। देश हित के लिए आपको क्या लगता है कौन देश हित के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने किया है कि बीजेपी ने किया है? मैं पर्सनली लेवल पे मैं किसी पार्टी को नहीं बोलता हूँ, सब अपनी जगह पे सब अच्छा काम करते हैं सब अपनी। आप किसको वोट देंगे कुछ तो बताइए, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? मेरा मत है मैं किसको दूंगा वो मुझे पता है। वो आपको पता है, आप नहीं बताना। आप अभी अच्छा वो वोट की अपील कर दीजिए कि जो लोग वोट नहीं देते हैं उनके लिए कुछ बोल दीजिए। नहीं, वोट तो सबको देना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए बोलिए कि वोट देना चाहिए, और मैं बोलूँगा हर कोई वोट दो, और आप अपने मतदाता को खुद अपने हिसाब से आप चुनिए, जो आपको अच्छा लगता है उसी को आप वोट दीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू। आप कुछ बात करने में आप इधर, अरे आप बोलिए बोलिए भैया, हम कुछ सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना। कुछ बात कीजिए, बताइए कैसा आपको, किसको पसंद करते हैं आप, और क्या इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है 4-5 सालों में? एक गाना गा दीजिए गाना। तो चलते चलते अब हम इनॉर्बिट मॉल के सामने पहुंच गए हैं, और यहां पर एक भाई साहब हैं, एक सर हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि आज का जो इलेक्शन का अभी माहौल चल रहा है उसके बारे में सर की क्या राय है। सर नमस्कार, व्हाट्स योर गुड नेम सर? आई एम दीपेंद्र। दीपेंद्र जी, अभी चुनाव आने वाले हैं 29th को, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और कैसे देखते हैं इस चुनाव को? नहीं, चुनाव को अभी मेनली तो नेशनलिज्म का ही मुद्दा है जी, तो मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देश के लिए काफ़ी कुछ काम कर रहे हो जी। कौन से काम ऐसे हैं जो मोदी जी के आपको अच्छे लगते हैं?
काफ़ी है गरीबों के लिए, काफ़ी इतने सारे टॉयलेट्स बनाए, बाद में मुद्रा लोन के से बहुत सारे लोगों को रोजगार का साधन भी दिए हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी हैं उनके अगेंस्ट में एक अच्छे उम्मीदवार, तो कैसे देखते हैं उस चीज़ को? अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का स्कीम जैसे अभी 72,000 की जो स्कीम उन्होंने बोली है, तो उसका वो कुछ खुलासा तो करना चाहिए कि कहाँ से प्रोविजन करेंगे, क्या करेंगे। ये तो चुनावी वादे करने से तो नहीं होता है ना। तो आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी। सर आपका नाम? पंकज तिवारी। पंकज जी कहाँ रहते हैं आप? मैं मालोनी में रहता हूँ। आप क्या एक्टर हैं? नहीं नहीं, मैं नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, एक्टर नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो कैसा आपको लग रहा है अभी इलेक्शन के बारे में, और किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? जी देखिए, अगर सपोर्ट करने की बात की जाए, पहली बार इतने टाइम के बाद कोई ऐसा इंसान आया हुआ है जो भारत देश के लिए कर रहा है। और जनरली यहाँ के जो इंडियंस हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी है ना सर, कि जो अच्छा करता है उसको बुरा बोलेंगे, जो बुरा करता है उसको अच्छा बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम कोई अच्छा कर रहा है और मैक्सिमम लोग भी अभी उसको अच्छा ही बोल रहा है, तो मेरा तो पूरा सपोर्ट माननीय नरेंद्र मोदी जी को रहेगा। और जैसे सर ने बात किया 72,000 का, तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा जो पर्सनली मैंने भी स्टडी किया है। हाँ हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो एक इकोनॉमिस्ट है। हाँ, मैंने 2012 या 2011 में एक बार में पढ़ा था, उन्होंने अर्थशास्त्री होने के बावजूद उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इंसान दिन का 12 रुपया कमाता है वो इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता, ऐसा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बवाल भी हुआ था। सो एक इकोनॉमिस्ट होके उसको बोला था उन्होंने। और मेरे लिए, मुझे जहाँ तक लगता है, प्रैक्टिकली यहाँ पे जितने लोग हैं इनसे भी पूछोगे ना, दिन का 12 रुपया कमाने वाला ना 6 महीने का 3 महीने भी नहीं जी सकता, पहले मर जाएगा। आफ्टर दैट उनके एक और एक मंत्री थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इंसान दाल चावल पे 5 रुपये खर्च करता है ना, वो इंसान गरीब नहीं होता, ये उनके था। और वापस अभी बात की जाए उनकी खुद की, तो उन्होंने जब गरीबी का आकलन हो रहा था उनके टाइम पे, जब वो उनकी सरकार थी, तो उन्होंने बोला था कि जो इंसान शहर में 36 रुपये और गांव में 32 रुपये कमाता है वो इंसान गरीब नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हो, इसका मतलब ये है कि आज वो 72,000 की बात कर रहे हैं और टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है कि गरीब इंसान के लिए। तो जब उनकी सरकार आएगी तो गरीबी का जो मापदंड है उसको चेंज करके वही बोलेंगे 36 और 32 रुपये, जिसका मतलब है कि आज के टाइम पे तो 36 और 32 रुपये पर डे के इंसान हर कोई कमाता है, 10 से 12 हज़ार रुपये एनुअली हर कोई कमा रहा है, तो कोई गरीब होगा नहीं और वो किसी को देंगे नहीं, ये एक फैक्ट है। थैंक यू। नमस्कार, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो मोदी साहब ने सपोर्ट करेंगे। मोदी जी को सपोर्ट करेंगे क्यों? मैडम किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं ना, अपोज लगे तो वो बुरा लगता है। अभी ये अपना इंडिया भाई सैनिक इतने जो गया, उन्हें इतने हम जो वापस उन्हें दिया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, ये बात में वही होने चाहिए। आपका धंधा कैसा चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्यों गड़बड़ी क्यों चल? थोड़ा सब पॉलिसी म्यूनसिपालिटी से थोड़ा तकलीफ भी पड़ा है, फिर भी पर वापस पूरी दिखाए तो थोड़ा हेल्प होने मुंगे होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से हमने रैंडम लोगों को पूछा कि उनको क्या लगता है। लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, कुछ लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, हम नहीं बताना चाहते, कई लोगों ने तो कैमरा फेस करने से मना कर दिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा नहीं, ये लोगों का कहना है, रैंडम लोगों से हम मिले, रैंडम लोगों से हमने बातचीत की। तो बाकी आप कमेंट में बताइए कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, या मोदी जी को, बीजेपी को, या किसी और को, कमेंट्स में लिखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कॉमेडी वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू।